तारीफ कभी आनी चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत प्लेटफॉर्म दिया है हम तक पहुंचाने के लिए। ये कमल शर्मा जी वो डीएसपी थे, इन्होंने हमारे साथ 1980 में पहला प्रोग्राम किया था अभिनव थिएटर में। 1980 से लेकर आज तक ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि शर्मा जी, अनुपमा शर्मा जी, जीवन शर्मा जी, इन्होंने हमारे साथ काफी प्रोग्राम किए 1980 में। 1980 से लेकर आज तक ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कि भारतीय कला संगम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये बता रहे थे कि 1980 से ये यहाँ पे डोगरी कल्चर, फोक और डोगरा कल्चर को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट लेवल्स पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं भी पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आर्टिस्ट को डोगरी लैंग्वेज और डोगरी के जो कल्चर है, आर्ट है, या उसका जितना भी फोक सॉन्ग्स हैं उसका एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और रमेश जी और इनकी जितनी भी पूरी टीम है यहाँ पे, सुहेल जी हैं या बाकी लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे डोगरी लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने, जहाँ पे लोग आके अपने आर्ट का परफॉर्मेंस देते हैं और उसके साथ साथ ही आप लोगों के माध्यम से डोगरी कल्चर भी प्रमोट होता है। देखो, मैं अगर डोगरी के प्रोग्राम चाहता था, मैं जरूर डोगरी ही बोलूँगा और डोगरी, क्योंकि अगर डोगरी की प्रमोट करना थे फिर सारे लोग के ऐसे कोई भी फंक्शन हो डोगरी था उधर सारे मिलिए, सारे जाना चाहता और डोगरी की प्रमोट करना चाहता। इवन अपने घर विच भी लैंग्वेज जड़ियाँ ठीक है, कोई भी बोले, इंग्लिश, हिंदी, सारी लैंग्वेज अच्छी हैं, बट डोगरी लैंग्वेज बच्चे साढ़े जरूर आनी चाहिए क्योंकि अस जम्मू के रहने वाले हाँ और डोगरी सानू सारे आनी चाहिए। और ऐसे प्रोग्राम भी जेड़े होंगे ना, इस बच्चे असें जरूर लियाना चाहिए, उन्हें शमूलियत करनी चाहिए और ताकि डोगरी की उनकी एक इंट्रस्ट जरा पैदा हो, असें भी डोगरी बोलनी है। बड़ा अच्छा लगता है जिसे इस किस्म के प्रोग्राम होते रहे और मैं काफ़ी बारी आना ऐसे प्रोग्राम से, क्योंकि काफ़ी पुराना अभिनव थिएटर के मैं खुद काफ़ी इतने ड्यूटी भी की है और काफ़ी प्रोग्राम देखे भी हैं, एसोसिएट भी रहे, काफ़ी बड़ा अच्छा लगता है। अज भी बहुत अच्छा लगा ये रमेश होने जी इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना और मेरी तरफ ये बेस्ट विशेज ने अगे भी इस किसी प्रोग्राम जरूर और सानू जरूर बुलाया जा। शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत थैंक्यू। जम्मू कश्मीर का जो अपना विरसा है, जो अपना कल्चर है, जो अपनी एसेंस है, उसको भारतीय कला संगम 1980 से कोशिश करती है उसको दिखाने का, शोकास करने का पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। यहाँ जो बच्चे हैं, ये वो टैलेंटेड लोग हैं जिनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो भारतीय कला संगम पिछले 40 साल से रमेश सिंह जी और इनकी टीम, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कोशिश करते हैं कि कोई भी इंसान पीछे ना रहे अपने टैलेंट को लेके, उसको दर्शाए और सेल्फलेसली ये सर्विस है। मैं समझता हूँ आज बहुत कम लोग रह गए जम्मू कश्मीर में जो इस तरह का जज्बा रखते हैं और इस तरह की एनजीओ को रन करती हैं, जो पूरे इंडिया का जो मान बढ़ाते हैं, शान बढ़ाते हैं, क्योंकि अपनी जबानों को लेके जो काम भारतीय कला संगम कर रही है, मैं समझता हूँ कोई और एनजीओ नहीं कर रही है। तो आप सबकी दुआओं के साथ ये काफिला मोहब्बत का, आपसी रवादारी का, प्यार का चलता रहेगा और उसमें कुलवीर हांडा साहब जैसे लोग, कोतवाल साहब जैसे लोग इनको ब्लेस करते रहेंगे तो हम सब एक गुलदस्ते की तरह खिलते रहे। मैं दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात की सब जगहों में घूमने के बाद यही सोचता हूँ कि ऑडियंस में इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए और प्रेसिडियम में इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए और जो परफॉर्म कर रहे थे खूबसूरत लोग बैठे हुए, पूरे भारत में और कहीं आपको ऐसा गुलदस्ता नहीं दिखेगा। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी डुगर्स, डोगरास एंड जम्मू कश्मीर के। थैंक यू। कला संगम, भारतीय कला संगम का 1980 से यही हमारा प्रयास रहा है कि हम अच्छे कार्यक्रम जम्मू को दें, क्योंकि दिन ब दिन जो जम्मू का कल्चर खत्म होने के द्वार पर है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो टोटली खत्म हो चुका है। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम डोगरी के ऊपर जो प्रोग्राम है वो हम करें, तो आज का जो कार्यक्रम है ये डोगरी फोक के ऊपर आधारित है। तो भारतीय कला संगम का ये 1980 से यही प्रयास रहा है, आइंदा भी हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम देंगे और जम्मू के जिनमें जिन बच्चों को मंच नहीं प्रदान होता हम उनको मंच प्रदान करते हैं।